महागठबंधन का पेच इतना उलझ चुका है कि घटक दलों के नेता दिल्ली दौड़े या मुंबई, यह पेच सुलझना आसान नहीं है। कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और औरंगाबाद की सीटों को लेकर जहां पर बात अटकी थी अभी भी वहीं पर है। कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद बन गई है। कांग्रेस का आलाकमान भी राजद के आगे घुटने टेक दिया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइफ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसता नजर आ रहा है। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लगातार रार जारी है। तो इसी बीच आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे वो लोग दिल्ली दौरे या मुंबई, या पेस सुलझने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर प्रभाकर मिश्रा जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए। तो वही कहते हुए नजर आए कि तमाम सीटों पर अब भी रार जारी है। कांग्रेस जहां 9 सीट मांग रही है, तो वहीं लालू यादव 6 से ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के आला कमान भी राजद सुप्रीमो लालू यादव के सामने घुटना टेकते हैं। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर एक कहावत सुनाते हुए नजर आ रहे हैं प्रभाकर मिश्रा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको वो सुन। महागठबंधन का पेच इतना उलझ चुका है कि घटक दलों के नेता दिल्ली दौड़े या मुंबई, यह पेच सुलझना आसान नहीं है। कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और औरंगाबाद की सीटों को लेकर जहां पर बात अटकी थी अभी भी वहीं पर है। कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद बन गई है। कांग्रेस का आलाकमान भी राजद के आगे घुटने टेक दिया है। कहां कांग्रेस की मांग 11 सीट की थी और राजद 6 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरने वाली कांग्रेस की स्थिति चुल्लू भर पानी में डूबने मरने जैसी है। बिहार और बंगाल ही नहीं, यूपी में भी कांग्रेस सीटों को लेकर गिड़गिड़ाते हुए दिख रही है। बिहार की तो बात ही और है, तेजस्वी की तेज तो कहीं चलने वाली नहीं है, इसलिए महागठबंधन के दलों के सामने ही अपनी तेजी दिखा रहे हैं। एक कहावत थी बिल्ली और बंदर के रोटी बांटने की। 16 सीटों का बंटवारा बिना गठबंधन के धर्म का पालन किए हो गया और अब गठबंधन धर्म दिखा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सुन पर आउट होने वाले राजद के आगे कांग्रेस और वाम दल भिखारी बनकर खड़े हैं। महागठबंधन ने राजद की यह दादागिरी नहीं तो और क्या है। वैसे राजद और कांग्रेस एक सीट पर लड़े या सभी 40 सीटों पर, नतीजा तय है। महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। आरजेडी सहित कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे प्रभाकर मिश्रा और कहते हुए नजर आ रहे थे कि चाहे ये लोग दिल्ली दौरे या मुंबई, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तमाम सीटों पर इन लोगों की रार जारी है। चाहे वो औरंगाबाद सीट हो या फिर पूर्णिया सीट हो, इन लोगों में कभी भी पेच सुलझेगा नहीं। बताते चले आपको कि लगातार तमाम सीटों को लेकर महागठबंधन में रार देखने को मिल रहा है। तो इसी कड़ी में औरंगाबाद सीट जहां लालू यादव ने अभय कुशवाहा को दी है, तो वही पूर्णिया सीट बीमा भारती को देने की बात चल रही है। तो इसी बीच कांग्रेस जो है पूर्णिया सीट अपने लिए मांग रही है ताकि पप्पू यादव को वहां से चुनाव लड़ा सके, क्योंकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय इसी शर्त पर किया था क्योंकि उन्हें पूर्णिया की सीट चाहिए थी। तो अब क्या होता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।